नमस्कार, आप देख रहे हैं M4U News। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। दिन बुधवार को डॉक्टर अनिला सिंह आर, जिला संयोजक अभिलेख संकलन योजना उत्तर प्रदेश द्वारा लिखित पुस्तक भाजपा को समर्पित का विमोचन, यूट्यूब के माध्यम से सॉफ्ट कॉपी का विमोचन भी श्री सत्येंद्र त्यागी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भाजपा के कार्यक्रम के द्वारा किया गया, एवं श्री सचिन गुप्ता भावी सभासद प्रत्याशी वार्ड नंबर 19 ऋषभ बिहार के सहयोग से कराए गए। इस पुस्तक के संरक्षक श्री दिनेश सिंगल, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी में सहयोगी पंडित पारितोष देवेंद्र भंडारी जी, राजकुमार प्रजापति जी, डॉक्टर उपेंद्र कुमार आर्य जी रहे। इस पुस्तक में मोदीनगर विधानसभा का परिचय, प्रथम कालखंड, जनसंघ काल, द्वितीय कालखंड, लोकतंत्र सेनानियों का परिचय, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों का परिचय, गाजियाबाद के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का परिचय, राम जन्मभूमि आंदोलन, मोदीनगर क्षेत्र के गौरवादी का समावेश करते हुए भाजपा को समर्पित ये पुस्तक डॉक्टर अनिला सिंह आर्य द्वारा लिखी गयी। सचिन गुप्ता ने कहा कि इस तरह की पुस्तक भाजपा के प्रचार प्रसार में काफी मददगार सिद्ध होगी। पुस्तक के विमोचन के समय मोहल्ला कृष्णानगर गली नंबर 2 के डॉक्टर उपेंद्र आर्य, जयप्रकाश बंसल, महकार सिंह, अभिषेक बंसल, डीएस कश्यप, ब्रजपाल, सतवीर सिंह, नीटू, राजेंद्र अग्रवाल, विजय अग्रवाल, विनोद गिरी, केपी राणा, प्रदीप गुप्ता, सत्या प्रवजन, उषा, बबिता, ज्योति गुप्ता आदि गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। जी, हमारे क्षेत्र की सबसे वरिष्ठतम लीडर, इनसे वरिष्ठता क्रम में शायद मेरी नॉलेज में नहीं है कि कोई आगे हो, और ये बहुत ही विदुषी भी है। ये इनका हर सब्जेक्ट पर अपना बहुत बड़ा नियंत्रण है और बहुत बड़ी राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत है। तो आज इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जो मैंने वैसे पढ़ी नहीं है, शायद मैं बाद में पढ़ूंगा, इसके मृत्यु भी एक ले लूंगा, तो उसका विमोचन का कार्यक्रम। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि ये सबको बहुत आगे मार्गदर्शन करेगी पुस्तक आपका, और ये आगे भी हमको इसी तरीके से ज्ञानवर्धक किताबें देती रहेंगी। मैडम, जो आपने ये पुस्तक लिखी है उसका क्या नाम रखा है आपने? ये दरअसल जो पार्टी के ही एक संगठनात्मक कार्यक्रम था अभिलेख संकलन का, और ये पूरे उत्तर प्रदेश में था। इसमें 1951 से लेकर और अब तक का, अर्थात जनसंघ से लेकर भाजपा तक का जो इतिहास था वो संकलित करना था, और जितने भी हमारे हुए हैं, जनप्रतिनिधि हुए हैं या लोकतंत्र सेनानी हुए हैं, आपातकालीन स्थिति का भी वर्णन है, और सभी अपने विधानसभाओं का, लोनी का भी क्षेत्र है इसमें, और मोदीनगर का भी क्षेत्र है, और डासने का क्षेत्र भी है, और इसमें सभी का सहयोग रहा, और सारी टाइपिंग आदि मेरे हाथ की है। वकील साहब का भी इसमें परिचय है, बंसल जी, क्योंकि ये लोकतंत्र सेनानी रहे हैं। तो ऐसे करके सभी का विस्तृत वर्णन है, अपने विधायक, सांसद, और सबकी एक सूची भी है। जब हमारे जिले में मेरठ था, ये मेरठ जिले में था, वहां के कौन पदाधिकारी हुए वो भी हैं, और जब पूरा नोएडा के साथ था उसके भी हैं, और पूरा ब्रजघाट तक और इधर खोड़ा कॉलोनी तक जिला था, उस समय के भी सारे पदाधिकारी इसमें निहित हैं, और सभी का एक संकलन करके हुआ, जिसको कि जब पूरे प्रदेश में देखी गई तो सुनील बंसल जी ने जो 4-5 अच्छे अभिलेख संकलन उन्होंने अपने उसमें से निकाले थे, तो उसमें एक ये गाजियाबाद जिले का अभिलेख संकलन भी उन्हें चयनित किया था अच्छे संकलन। सचिन जी, क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया यहाँ पर आज? कार्यक्रम मेरे बार में मेरी मात्र समान अनिला आर्य जी हैं, और इनके द्वारा एक भाजपा को लेकर एक पुस्तक बनाई गई थी। मैं परसों इनको देखने आया था, बाबू जी की थोड़ी तबीयत ढीली हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि मैंने ऐसे ऐसे एक पुस्तक बनाई है और उसे टाइप करा ली है, लेकिन वो बड़ी फाइल में है तो उसका कुछ हो नहीं सकता, ऐसे मतलब कैसे प्रचार का प्रसार करा जाए। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, तो मैंने इनकी पुस्तक को प्रिंट करा के पुस्तक बनवाई, और उसका यूट्यूब पे एक लिंक बनवाया है, वो अभी सब लोगों को, आप सब लोगों को भी दे दिया जाएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस पुस्तक को देख सके, और ज्यादा से ज्यादा लोग इससे प्रभावित होकर भाजपा को और ज्यादा वोटों से जिताएं आने वाले टाइम में। हालांकि भाजपा का परचम अपने आप में लहराया हुआ है सब जगह, कोई कहने वाली बताने वाली बात नहीं है कि भाजपा को लेके पब्लिक इतनी आश्वस्त है, लेडीज आज के डेट में इतनी आश्वस्त है, और राशन मिल रहा है, मतलब बहुत सारी ऐसी योजनाएं आपको सब पता है सर। लेकिन ये है कि मैं भी भाजपा से आवेदन कर रखा है ना, और भाजपा अगर मुझ पर विश्वास करेगी और मुझे टिकट देगी, तो मैं निश्चित रूप से जो भी मेरे वार्ड में ऐसे लोग हैं, सम्मानित लोग हैं, सम्मानित करने लायक है, सम्मानित करूंगा, और नगर पालिका से भी कराऊंगा, ऊपर भी कराऊंगा, विधायक सांसद प्रतिनिधियों से भी। कौन से वार्ड से चुनाव लड़ रहे हैं? मैं वार्ड नंबर 19 से ऋषभ बिहार वार्ड से चुनाव लड़ रहा हूँ सर। अभी बहरहाल में एक हमारे वार्ड में एक बच्चा था, वो सेकंड आया था दौड़ में, उसे भी मैंने वार्ड के लोगों से पुरस्कृत कराया था,
और ये श्रृंखला ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी, और जो भी मेरे वार्ड की जो समस्याएं हैं जैसे लाइट है या फिर खड़ंजे हैं या जो भी है, जो मैं अभी भी वर्तमान में कर सकता हूँ वही मैं SDM महोदय और नगर पालिका के सहयोग से करा पा रहा हूँ, लेखापारी करता हूँ और उनसे जाके मिलता हूँ और वो मेरी समस्या का समाधान कराते हैं। इसके लिए उन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल M4U न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं, जिससे आपको सभी न्यूज प्राप्त हो सके। संपर्क सूत्र 8445657566।